हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर बैंकिंग सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर्स कवर करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी बड़े टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी इस सीरीज में कवर कर लिया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग वो शॉर्ट आंसर्स कवर करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर आपको लगता है मेरा वीडियो आपके काम आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एंड व्हेन वाज इट नेशनलाइज्ड, के आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था और नेशनलाइज कब हुआ था। तो दोनों की डेट्स अलग है तो ध्यान से समझिएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो अगर एमसीक्यू में ऐसे पूछते हैं कौन से एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था तो आरबीआई एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था 1934 एंड इट स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम अप्रैल 1935। और 1 अप्रैल 1935 से वो फंक्शनिंग करना शुरू किया था उसने। और नेशनलाइज कब हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद, दैट इज इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में और नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1949 में। कहने का मतलब इंडिपेंडेंस के एक साल के बाद ये नेशनलाइज हुआ था। तो आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 में। फंक्शनिंग कब स्टार्ट की, तो अप्रैल 1 1935 में। और कौन से एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, तो आरबीआई एक्ट 1934 में। इजी, तो इसमें से 3 एमसीक्यू के फॉर्म में या शॉर्ट आंसर के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। दूसरा, गिवन आइडियाज ऑफ द सिस्टम ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। अब एडहॉक ट्रेजरी बिल्स क्या होता है हम लोग वो समझेंगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स क्या होता है वो समझते हैं। तो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स कब स्टार्ट हुआ था, द सिस्टम ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955 एंड under which it was decided that whenever union government's cash balance went below 50 crores, कहने का मतलब जब भी government का, union government का cash balance 50 crore से कम हो जाएगा तो जितना भी कम पड़ेगा उस gap को full करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ad hoc treasury bills issue करेंगे हम लोग, in the sense government। तो वह लिखा है, whenever union government's cash balance went below 50 crores, ad hoc treasury bills would be created to raise cash balance up to 50 crores। कहने का मतलब जब भी cash balance 50 crore से नीचे जाएगा तो वो जो deficit है उसको cover करने के लिए ad hoc treasury bills issue किए जाएंगे ताकि वो जो gap है 50 crore से कम हुआ, जो 50 crore से जितना भी deficit पड़ा है उतने gap को cover करने के लिए ad hoc treasury bills issue किए जाएंगे। तो वो लिखा है, द सिस्टम वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था टू मैनेज द कैश फ्लो, ताकि हम लोग कैश फ्लो को, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट कैश फ्लो को बराबर से मैनेज कर सके इसलिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, आरबीआई की डेफिनेशन लिखनी है हमको, पता है आरबीआई मतलब जो एपेक्स बैंक है और क्या काम करता है वो उसके दो तीन आंसर्स, दो तीन पॉइंट्स लिख देने का। तो वो लिखा हुआ है, द सेंट्रल बैंक दैट इज एपेक्स बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्रीज फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई जो है वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर और ये कुछ परफॉर्म करता है, फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो कौन कौन से फॉलोइंग फंक्शंस है वो देखते हैं। पहला, इट इज़ अ सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स, इसके खाली आरबीआई के पास ही राइट है कि वो करेंसी नोट्स इशू कर सकता है। दूसरा, इट एक्ट एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बैंकर जैसे काम करता है। और तीसरा, सब बैंकों का एक ही बैंक, मतलब सब बैंकों के लिए भी लास्ट रिसोर्ट कौन सा हुआ, आरबीआई। तो सब बैंकों का एक ही बैंक आरबीआई, आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक। कहने का मतलब 3 फंक्शंस सिर्फ और सिर्फ आरबीआई कर सकता है, करेंसी नोट्स इशू करने का, दूसरा गवर्नमेंट का बैंक और तीसरा सब बैंकों का बैंक, दैट इज सब बैंकों का लास्ट रिसोर्ट कौन है, आरबीआई है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस करता है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर इसलिए 3 फंक्शंस को ही हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स, के बैंक रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछते ही हैं कि बैंक रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में फर्क क्या है। पहले समझते हैं बैंक रेट का। तो बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई ऑफ द कंट्री डिस्काउंट द फर्स्ट क्लास बिल्स और एडवांस लोन टू कमर्शियल बैंक। एकदम सिंपल भाषा में बोलो तो कि आरबीआई जिस रेट पे पैसा देने के लिए रेडी होता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, उसको बैंक रेट बोलते हैं। तो इसको लिखोगे कैसे, द रेट एट विच आरबीआई इज विलिंग टू डिस्काउंट द फर्स्ट क्लास बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक और लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक्स। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करेगा या उनके डिस्काउंट, उनके जो फर्स्ट क्लास बिल्स है उसको डिस्काउंट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बैंक इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू क्रेडिटर। कहने का मतलब जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पैसा देता है पब्लिक को, चाहे बिजनेसमैन को, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट को, चाहे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किसी को लोन चाहिए, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को
लोन देता है या पैसा देता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो एकदम इजी भाषा में बोलो तो जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को, दैट इज कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट, और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एकदम इजी। आगे गिव द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स क्या होता है वो समझते हैं, हमने पहले समझा था एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, अब सिर्फ ट्रेजरी बिल्स समझ रहे हैं। तो ट्रेजरी बिल्स एक तरह से प्रॉमिसरी नोट ही होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉमिसरी नोट। तो वो लिखा है ट्रेजरी बिल्स आर प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ डिस्काउंट एंड फॉर अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। कहने का मतलब जब भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं कि हाँ भाई हम लोग डिस्काउंट पे आपको एक बिल दे रहे हैं और मैच्योरिटी पे हमको फिक्स अमाउंट आपको वापस दे देंगे। तो जब भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल्स। कैसे? डिस्काउंट पे विद अ प्रॉमिस के मैच्योरिटी पे आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। सिंपल है। दीज बिल्स आर शॉर्ट टर्म, जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, फ्रॉम 91 डेज टू 364 डेज की उनकी मैच्योरिटी होती है। 91 डेज से लेकर 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं। सिंपल है। आगे वॉट इज एक्सचेंज रेट। क्या, वॉट डू मीन बाय एक्सचेंज रेट? बहुत ईजी है। द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। मतलब जिस रेट पे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। वही लिखा है, देखिए ध्यान से। The rate at which currency of one country is converted into currency of another country is known as rate of exchange. Example भी दिया हुआ है। For example, if the exchange rate between US dollars and Indian rupees is $1 equal to 70, which means that price of $1 equal to 70, 270 नहीं है, कितना है, 70 rupees है। अब तो actually 80 के आसपास चल रहा है, लेकिन जो printed form में मिला मैंने वो लिख दिया, तो 70 rupees, 2 भूल से print हो गया। तो समझ लीजिए कि अगर मैं $1 के सामने, मतलब $1 खरीदने के लिए मेरे को 70 रुपीज देने पड़ते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि $1 इक्वल टू 70 रुपीज, दैट इज एक्सचेंज रेट। जो $1 का है वो 70 रुपीज है जो इंडियन रुपीज है उसके सामने। इजी। आगे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। एप्रिसिएशन ऑफ रूपी क्या होता है और डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी क्या होता है? देखिए, जैसे फिक्स एसेट का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है, वैसे रूपी का भी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है। जब हमारे करेंसी की, दैट इज इंडियन रुपीज की, INR की वैल्यू बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे वैल्यू की एप्रिसिएशन हो गई। और जब हमारे INR, दैट इज रुपीज की डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं वो डेप्रिशिएट हो गया। वो लिखा है, देखिए ध्यान से। एप्रिसिएशन ऑफ मीन्स एन इंक्रीज इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। जब हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो गई, रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन डिमांड। चेंज डिमांड और सप्लाई का खेल है ये भी। तो जब डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। वाइल डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। जब हमारे करेंसी की वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन फोर्सेस। ऑफ कोर्स वापस डिमांड एंड सप्लाई का खेल है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारे करेंसी के डिमांड और सप्लाई की वजह से, या डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आने की वजह से, अगर हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सिंपल है। तो इसका मतलब जब हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एप्रिसिएशन बोलेंगे, जब हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। किसकी वजह से घटती है बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई, हमारे करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होती है उसकी वजह से। लास्ट आंसर देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन रूपी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है कि डीवैल्यूएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन, इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, दोनों ही केस में हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन एक केस में मैं कम नहीं कर रहा, अपने आप कम हो रही है। जैसे हमने पिछले आंसर में समझा, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, जो मैंने कम नहीं किया। लेकिन डीवैल्यूएशन में हम लोग डेलिब्रेटली कम करते हैं, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग जानबूझ के अपनी वैल्यू या करेंसी की वैल्यू घटाते हैं ताकि हमारी चीज़ें सस्ती दिखे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। सिंपल है। तो एक, दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक जानबूझ के किया जाता है वैल्यू कम और एक अपने आप होता है। वो लिखा है, देखिए ध्यान से, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन बोथ रिफर्स टू फॉल इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। दोनों में ही रुपी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है, बट दे कॉजेज आर डिफर, लेकिन दोनों के कॉजेज जो है वो डिफर होते हैं। डीवैल्यूएशन इज अ पॉलिसी मेजर। डीवैल्यूएशन क्या है, पॉलिसी होती है। एज अ रिजल्ट एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी इन केस इज रिड्यूस्ड डेलिबरेटली बाय द आरबीआई। आरबीआई जानबूझ के अपनी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी को क्या करता है,
कम करता है, किसमें? डीवैल्यूएशन में, डेलिबरेटली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, डेलिबरेटली बाय आरबीआई। आरबीआई जानबूझ के अपनी वैल्यू कम करे तो उसको बोलेंगे डीवैल्यूएशन। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन, जो हमने ऑलरेडी पिछले आंसर में समझा था। डेप्रिसिएशन इज अ मार्केट फिनोमिना एज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी फॉल्स इन केस ऑफ ऑटोमेटिकली ड्यू टू चेंज इन डिमांड और सप्लाई कंडीशन। क्या हमारी करेंसी की वैल्यू अपने आप घट जाए, किसकी वजह से? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज में, तो उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। दोनों में ही इंडियन रुपी या इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन एक में आरबीआई ने जानबूझ के डेलिबरेटली किया है और एक में अपने आप हो गया है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। ये फर्क था डेप्रिसिएशन और डिवेल्यूएशन के बीच में, सिंपल है। ये जो मुझे लगे थे बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि यार वीडियो आपके काम का है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।